celebration, जो मंसूबा बंदी के जो इस फाउंडेशन आलमी दिन के मौके पर हमारे साथ डॉक्टर साहबा का होना और आपके साथ जो आए हुए मेहमान और दुनिया के हमारे भाई हैं जिसने हमारी आवाज की और सबको मेरी तरफ से आसान है आप जो डॉक्टर साहिबा ने बताया जो यहाँ पे जिस तरह के मसाई है वो हमें पता चलना चाहिए। वाकई ये है खातून का दिल है कि ये दर्द समझती है कि ये होना चाहिए। आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑपरेशन डे के मौके पे ये सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे कल भी मैंने आपसे जिक्र किया है जितना मंसूबाबंदी के ऊपर जो काम हुआ है उसके ऊपर हमारा धारणा जो हुआ है और लेजर बेहतर है। तो यहाँ पे जब तक इतनी पाकिस्तान है हर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खुशहाल ना हो पॉपुलेशन पे काबू ना हो मेरे ख्याल में दिल्ली पाकिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट साकार हो जाएगा। जहाँ पे जो हमारी खवातीन ना के मनसूबा बंदी पे मैं ये समझती हूँ जो खवातीन को डेवलप करके आगे लाना इनको एम्पावर करना ये बहुत लाजमी है और काफ़ी मैंने जिक्र किया है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था लेकिन उनका हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ अचानक से कोई मीटिंग आ गई तो एमरजेंसी में वो चले गए तो उनकी तरफ से भी आपको मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहिबा को और हमारे चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन भी है जैसा चिनास है चिनास के अंदर मनसूबाबंदी पे काम करना बहुत लाजमी है इंतहाई लाजमी है क्योंकि एक घर में 20-20 बच्चे 15-15 बच्चे हैं कौन है इधर तो जब तक मनसूबाबंदी पे वहाँ काबू ना करें मेरे ख्याल में लेकिन पाकिस्तान को हम ज़्यादा तरक्की नहीं दे सकते हैं। न हमारे पास कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं है कि जाके वहाँ पे वो यूथ जो है काम करें वो भी नहीं है और हमारे जो जामन है जो यूथ है उनके लिए भी काम करना है। हमारी जो खवातीन है जामन में उनके लिए भी काम करना है स्किल में आगे लेके आना है हेल्थ में उनके लिए बहुत लाजमी है और एजुकेशन ये तीन चीज़ें वहाँ पे बहुत लाजमी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओज है जैसा कि यहाँ पे हमारे गिलगित के अंदर भी एनजीओज काम कर रहे हैं मेरी आपसे गुजारिश होगी कि यामन की तरफ रुख करें यामन की तरफ जाके काम करें और मेरी डॉक्टर साहिबा से भी रिक्वेस्ट होगी कि ना कि यामन में आप पॉपुलेशन पे आप सिर्फ फोकस करेंगे आपने वहाँ पर मुहबत पर भी काम करना है एजुकेशन पे भी काम करना है और हेल्थ पे भी वहाँ पे काम करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने खुद फरमाया कि हमें पता नहीं होता है यहाँ पे कितना हमने मसाइल का शिकार है और सब कुछ पता चलना चाहे और जैसा कि दुनिया में तरक्की आपका मुल्क है उसके बराबर में आना अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो खवातीन आज सारी आई हैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भाई ने कहा किसने के यहाँ पे खवातीन आई थी तो मनसूबाबंदी पे काम ये नहीं होता है मर्द औरत दोनों मिल के मनसूबाबंदी पे काम करते हैं। तो इस दौर में कितने घर में बच्चे पैदा करना दिया बीवी का काम कितना वक्फा करना है बच्चों में कम अज़ कम 2 साल कम अज़ कम 3 साल का वक्फा बच्चों में होना चाहे आपके पास रिसोर्सेज कितनी है
ये जो आजकल का जमाना है इसमें पढ़ाना खिलाना उनको अच्छे कपड़े पहनाना अच्छा खिलाना और ये सब कुछ देख के आपने मियाँ बीवी का काम है कि आप लोगों ने कितने बच्चे पैदा करना है। मंसूबाबंदी इसको कहते हैं मंसूबाबंदी मियाँ बीवी दोनों में मिल के करना है। खवातीन तो चाहती है कि एक बच्चा हो हम सारा दिन काम करते रहे। हमारी खवातीन बहुत बहादुर है। हमारे क्रिकेट पाकिस्तान की खवातीन तारी एग्रीकल्चर ओनर सब कुछ काम करके हमारे मन का हर बढ़ा देती है और माशरे में आगे निकालती है। तो मैं आप लोगों को बहुत लेडीज के रायों से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पे। और जो मुखरीन ने अपना सारा जो है बातें उन्होंने आप तक पहुँचा दी